जिंदाबाद 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 जफर बारी साहब महाराज रंजन प्रसाद फसवार जिला प्रभारी सभी जनताओं की तरफ से आइए बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, मुबारकबाद पाठ के पेश करते हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और हम लोगों को अपना समझा और ये जाहिर सी बात है अभी जरूरत है संविधान की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए इल्म की भी जरूरत है, हिम्मत की भी जरूरत है, जिगर की भी जरूरत है। हिंदी मुसलमानों न समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों नहीं दास्तां बाकी रहेगी तुम्हारी किसी दास्तानों में। जनाब सदर अख्तरुल ईमान साहब, राणा रंजीत साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब मंच पर उपस्थित और जो भी मंच पर उपस्थित है हमारे प्रिय जनतागण, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साफ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्षेत्र से मुतवक्के उम्मीदवार आपसे मुखातिब हूँ। मैंने अभी अल्लाह की तारीफ के बाद अपनी बात की शुरुआत इंकलाब के नारों से किया। आपसे कहने के लिए आया हूँ कि अपने अंदर इंकलाब पैदा कीजिए और गुलामी के जंजीरों को तोड़कर देख दीजिए कौन की क्यादत व सियासत के सियासत से उठ खड़े होइए, कौन के बागडोर अपने हाथों में लीजिए और गुलामी के जंजीरों से निकलकर तख्त व ताज का मालिक बनिए। 70 साल से जायद का अरसा गुजर गया, हम अपनी इज्जत नीलाम करते रहे, हमने अपनी मस्जिदें खोई, हमने अपनी कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया, हमारे मदाई एम के वोट करें और असदुद्दीन वैसी के हाथों को मजबूत करें ताकि हम आपके बेबाक आवाजों को दोनों सदनों में उठा सके। तो आइए हम आपके अहद करें कि AIMIM को जिताएंगे बेलागंज विधानसभा सीट से। आज के जलसा की सदारत कर रहे जनाब जफर बारी साहब, मंच की निजामत कर रहे साबिर खान साहब, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अख्तरुल ईमान साहब, राणा रंजीत साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, तालिब मिरानी साहब और मंच पे जितने लोग बैठे हैं मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आप लोगों के बीच हमेशा से रहा हूं और ये बात बताने आया हूं कि जिस तरह से CNRC आंदोलन किया था हम लोगों ने, यही बाला की सरजमीं थी जहां 78 दिन हम लोगों ने धरना किया था और आप लोगों ने जिस तरह से मजबूती से पूरे धरना को चलाया था, पूरे धरना में जितना मजबूती से जान फूंका था उसी मजबूती से इस बार इंशाअल्लाह हम लोग इस बार विधानसभा में चुनाव यहाँ भी आपके को उठाई जाएगा और आपकी आवाज को रखेगा। हम मुसलमान हैं, हम मजबूती से लड़ना जानते हैं और हमें बताने में ये गर्व होता है कि बेलागंज में यहाँ सबसे ज्यादा आबादी अगर है तो वो मुसलमानों की है। हमें डर किस चीज का है, हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें अपने वोट एकत्र करना है ताकि हमारे लोग मजबूत हो। हमें इस तरह से फलस्तीन एक छोटा मुल्क लड़ाई लड़ रहा है हमारे मुसलमानों की ये रहबरी कर रहा है और ऐसे ही हमारे अकेले असद ओवैसी और अख्तरुल ईमान साहब अकेला रहबरी कर रहे हैं, तो हमारे अपने रहबर को पढ़ाने की जरूरत है, अपने लोगों को पढ़ाने की जरूरत है और AIMIM को मजबूती देने की जरूरत है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब बिला ताखीर आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के रियासती सदर और पायल बिहार कानून साजिया के जो सदर है जनाब अख्तरुल ईमान साहब को मैं
बड़े अदब एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ कि आए और हम सामईन को अपनी बात पेश करें। इस्तकबाल को जोर किया जाए। बहुत ही तारीखी अदबी और लसानी अखबार से बहुत ही मारूफ सरजमीन सरजमीन गया की इस मारूफ बस्ती बारा में आज के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनान के इजलास के सदर जनाब भाई जफरुल बारी साहब, दाइश के तशरीफ फरमा, पार्टी के तासीसी रुक जनरल सेक्रेटरी, एक लंबा तजर्बा रखने वाले मुदब्बिर सियासतदान जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, गंगा जमुना तहजीब को एक नई तवानाई बख्शने वाले और फिरका परस्तों के मुंह पर तमाचा मार कर ये कहने वाले कि अब भी हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की मोहब्बत जिंदा है, फिरका परस्ती की आग को बुझाने के लिए हम काफी हैं। अभी भी भाई राणा रंजीत साहब सेक्रेटरी एमआईएम बिहार, दाइश के तशरीफ फरमा भाई जनाब तालिब ईरानी साहब, इस प्रोग्राम को बड़े दस को एहतसाब के साथ सजाने वाले अजीज जनाब इंजीनियर शकील साहब, फुलवारी शरीफ पटना से जनाब भाई समीउल हक साहब, दलित समाज की बहुत ही मजबूत आवाज भाई रंजन पासवान साहब, पार्टी के शुरू दिन के साथी रहे हमारे जनाब भाई इरफानुर रहमान साहब, जावेद बाबू, अशरफ अदीजी अशरफ कादरी साहब, अदीजी जामीन बाबू, रुपेश पासवान साहब, सुधीर पासवान साहब, चांद खान साहब, अदीजी एहसान साहब और आज के इस महफिल की निदामत कर रहे हैं जनाब भाई साहिब साहब। मैं सबसे पहले आप तमाम तक हाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तेज और तपिश माहौल में और वो भी एक ऐसे वक्त में जो अमूमी तौर पर आराम का वक्त होता है, उस वक्त आप लोग इस मीटिंग में बहुत ही संजीदगी और इत्मीनान के साथ और मोहब्बतों के साथ हाजिर हैं। मैं आपकी इस मोहब्बत आमेज हाजिरी के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों का दोस्तों को कहाँ से शुरू करूँ, मुझे फारसी तो नहीं आती लेकिन कभी किसी बुजुर्ग ने नसीहत की थी तो मैंने याद रखा है कि अगर ताजा खाही दास्तन दाव आए सीना रहा गाहे गाहे बात की किस्त पानी, अगर तुम अपने सीने के दाग तुम ताजा रखना चाहते हो तो कभी कभी पुराने वाकयात को पढ़ते और सुनाते। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त नौजवानों पर, हमारा नौजवान बड़ा जोश रखता है, जज्बा रखता है, लड़ने का आज़्म और इरादा रखता है, लेकिन जब मसलहत को कोई बूढ़ा उनको उल्टी सीधी पढ़ा देता है, कोई मुफाद पर सियासतदान, कोई मिल्लत का सौदागर जब उन्हें दाएं बाएं की झूठी मूठी कहानियां सुना देता है तो हमारा वो जोशीला नौजवान कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है। यही वजह है कि जैसा कि अभी कह रहे थे राणा रंजीत साहब, हमारा नौजवान पूरा सर फिरा फिरता है, इलेक्शन के जम हुई इलेक्शन कैंपेन खत्म होता है तो दूसरी पार्टी की दलाली करने वाले कुछ लोग हमारे इस नौजवानों को बहका देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पौधा जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो पौधा आंधियों का मुकाबला नहीं कर सकता। इससे हम चाहते हैं कि अपने नौजवानों को हिंदू और मुसलमानों में अंग्रेजों ने नफरत पैदा करने की कोशिश, और नफरत ऐसी बढ़ी कि अंग्रेजों को यह कदम जमाने का मौका मिला और अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को दोनों को परेशान किया। फिर हमारे उस वक्त दो उठे, लाल बाल पाल उठे, मौलाना आजाद उठे, गांधी उठे, मौलाना जौहर उठे, हसरत रूहानी उठे, सब लोगों ने मिलकर ये कहा कि देखो जब तक हम लोग मुंतहिब थे
राजा कोई था, लेकिन अवंश से जब से अंग्रेज आया है तुम्हारे हिंदुओं को भी ईसाई बनाने की कोशिश करता है और हमारे मुसलमानों की तहजीब को भी पामाल करना चाहता है। आओ मुत्तहिद हो जाओ। आज भी मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज भी इस देश को जो नफरत की आग लगाई गई है मोदी और योगी के जरिए से, भारत में बसने वालों, भारत की मिट्टी को मां कहने वालों, नफरत की आग से कभी भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि वो मोहब्बत जो आजादी के वक्त हमारे हिंदू मुसलमान लीगों में कायम की है वो मोहब्बत कायम करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि उस वक्त हमें आजादी लड़ने में भी क्या इसलिए कि तख्तोताज मिले जागीर मिले, नहीं, हमारे बुजुर्गों ने समझा कि अंग्रेजों के मनहूस कदम अगर हिंदुस्तान में बाकी रह गया तो राम, ये हिंदू राम को भूल जाएगा और मुसलमान के ईमान का भी सौदा हो जाएगा। मैं राम भक्तों को आज भी कहता हूँ कि तुम्हारी राम भक्ति जिंदा नहीं रहती अगर अंग्रेज रहते, तुम्हारे राम भक्ति को मुझे किसी ने जिंदा रखा है तो मुस्लिम शोदा ने जिंदा रखा है और इस्लाम को जिंदा रखा है तो हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत का रखता है। इसी हिंदू तो आप देखेंगे ये दौर भी आजादी का मूवमेंट हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, अंग्रेजों के झंडे को अगर किसी नेता होता तो गांधी जी बैठे हुए थे, हसरत रूहानी ने नोचा था, गांधी जी ने कहा मुझे अथाह समंदर में फेंको हसरत, ये इस तरह की लड़ाई हम नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि आजादी की कोई भी तारीफ नहीं हो, जलियांवाला बाग में आप जाइए वह शोभा के नाम पढ़ लीजिए आपको फख्र होगा। आप जाकर इंडिया गेट में गए, जाकर के देख लीजिए कि आपके शोभा की कितनी लंबी फहरिस्त है। इस मुल्क में एक दावती दौर फख्र का दौर है। अगर इन राजाओं ने खानकाहों को, मस्जिदों को अगर जागीर अदा की तो वही मंदिरों को भी सबसे ज्यादा जागीर का किसी ने दी है तो मुगल सल्तनत के बादशाह ने। दाऊदी दौर भी शानदार, भुखमरानी का दौर भी शानदार, जंग आजादी में गर्दन कटाने में भी सबसे आगे, लेकिन एक चौथा दौर शुरू होता है वो 1947 की 15 अगस्त से लेकर इस वक्त तक। याद करो 1947 की तारीख, कुछ दीवारों और पागलों ने इस मुल्क में, मेरे भाई इस मुल्क में जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में सियासत हमारी जरूरत है, अगर सियासत नहीं उसी तलवार के खौफ से गर्दन झुका कर दियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा, कुछ दिनों की नस्लों से गुलाम जन्म लेता है, गर्दन उठा के जियो, अगर गर्दन कटेंगे भी तो कोई गौर नहीं मानना तो एक है ही, लेकिन तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। आप देख लो कि आज क्या आबादी है, आज अभी तेलंगाना में 12% आबादी है मुसलमानों की, जितना सर उठाकर जीता है, बिहार में 18% मुसलमान और 20% मुसलमान यूपी में बेगैरती जिंदगी जीने पर मजबूर है, जरा और आप एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोर है, मीडिया में आप कमजोर है, एक ही चीज थी कि अपने वोट से अपना नुमाइंदा चुनिए, तो नुमाइंदा चुनने की जगह पर जब अपने को चुनने की बारी आती है आप सरकार बनाने के लिए जाते हैं। यमायम ये कहने के लिए आई है कि देखो दो सियासत तुमने देखी है, एक सियासत तुमने गठबंधन की देखी, एक सियासत तुमने विलय की देखी, मुसलमानों ने जितनी हमदर्दी के साथ कांग्रेस का साथ दिया, राजद का साथ दिया, ए लोगों हमको उसने क्या दिया, हम तो अपने आप को सब कर दिए उसने, लेकिन जिन लोगों ने अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ी, अगर केरल में अलग मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है उनकी हालत अच्छी हुई है, अगर तेलंगाना में मुसलमानों ने अगर अलग लड़ाई लड़ी उनकी हालत अच्छी हुई है, जाधवों ने अपनी जमात खड़ी की तो उनकी हालत अच्छी हुई है, कोई कुर्मी ने अगर अपनी जमात खड़ी की है तो उनकी हालत अच्छी हुई है, मायावती ने अपनी बिरादरी का झंडा उठाया तो उसकी बिरादरी की हालत अच्छी हुई है। तो मेरे भाई यकीन जानो जब तक अपना झंडा नहीं उठाओगे आपकी और हमारी हालत भी अच्छी होने वाली है। भाई यही बात मैं बताता हूँ, बच्चा कभी यतीम होता है, खालू मामू नाना खुद दौलतमंद हो मर जाए सभी एक दिन बच्चा यतीम होगा, बच्चा यतीम कुछ दिन होता है, बिस्तर मर कर भी बाप क्यों ना हो, लकवा के बिस्तर पर हो, बच्चा जिस दिन बाप जिस दिन मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है, जिस दिन जिस कौम का कोई लीडर खो जाता है उस दिन वो कौम यतीम हो जाती है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम यतीम होती है। और आज उसी यतीमी के दौर से हम गुजर रहे हैं, आज अभी आप देखेंगे नई नई पार्टियां आती हैं उनका दरी बिछाने के लिए कौन करता है,
मियां जुम्मन और अब्दुल ही आगे गाए जाते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई लीडरशिप इनके दरमियान में नहीं है। एमआईएम आपसे ये कहने के लिए आई है, अपनी लीडरशिप को जन्म दीजिए। एक तमसील अक्सर मैं देता हूँ, एक इंसान 70-80 किलो के वजन का है, उसके बाजू की ताकत 5 किलो है, दोनों काट दिया जाए उसके बावजूद भी वो सब जिंदा रहेगा, पैर की उंगलियों से नवाला मुंह रख लेगा, दोनों जानू काट दिए जाए, वजन 30 है लेकिन वो जिंदा होगा, वो कहीं ना कहीं किसी के कंधे पर सवार होकर सफर तय कर लेगा। लेकिन गर्दन का वजन सिर्फ 3 किलो है, जिस दिन गर्दन कट जाती है तो फिर वो लाश होती है। यकीन जानो, जिस जिस में गर्दन नहीं है वो लाश है, जिस कौम की अपनी कोई सियासी जमात और सियासी क्यादत नहीं है वो कौम भी लाश के मानिंद है। अब आपको तय करना है कि अपनी गर्दन बचानी है या गर्दन कटवानी है। गर्दन कटवा कर जिंदा रहोगे लाश की हैसियत से रहोगे जो आज हो, और गर्दन बचा के जिंदा रहना चाहते हो अपनी क़यादत को, यकीन जानो जो इनकलाब दूसरों के यहाँ आया है वो इनकलाब आपके यहाँ भी आएगा। ये चंद जरूरी बातें जो आप तक मैंने शेयर की, ये बात अगर हक हो, ये बात अगर सच हो, तो आप इसको इस पर अमल करके देखिए। एमआईएम बहुत दिनों के लिए नहीं, ये कलील अरसे के लिए आपसे बात कहती है कि कुछ दिन अमल कीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मामला ये है, हम जिताब के लिए लड़ाई लड़ते हैं। 1970-75 याद होगा हमारे बुजुर्गों को, कौन सी पार्टी थी उस वक्त? भाजपा की जनसंघ कौन सी पार्टी थी? आरएसएस की पार्टी कौन थी? याद है आप लोगों को? नहीं, हम तो बुजुर्गों से जाते हैं, मालूम है आरएसएस की कौन पार्टी थी उस वक्त? जनसंघ। उनका निशान क्या था? उनका निशान था चराग दिया, चौराहे के किराने दुकानदार ने जो आरएसएस के नजरिया से हमको लगता था, और आया उसके पड़ोसी मुसलमान ने पूछा किन